कल मैंने आप लोगों से कहा था कि ध्यान समाधि के विषय में अवसर रहा तो कहूंगा। जीव का स्वरूप समाधि रूप है, लेकिन वो बहिर्मुख होकर के चंचल हो गया, उसी अपने रूप में लौट आना है। सम आदि समाधि, आदि मानसिक पीड़ा, सम हो जाना, शांत हो जाना समाधि है। दुख कोई नहीं चाहता, दुख जीव का शत्रु है, लेकिन समझ नहीं पाता है, दुख भोगता है, अपने अहंकार से दुख भोगता है। अगर मेरे अंदर में कभी थोड़ा दुख उत्पन्न हुआ है तो उसमें कारण क्या है? अहंकार। कह सकते हैं आप, लड़के ने कटु कहा तो दुख होगा ही, तो दुखी बने रहो, कौन रोकता है? जीवन भर दुखी रहो। कभी लड़का कह देगा, कभी पत्नी कह देगी, माता पिता तो अधिकार कहने का ही है, गुरु कह देंगे, उनका अधिकार है कहने का, शिष्य भी कह देगा, पड़ोसी कह देगा, दामाद कह देगा, साला कह देगा, समधी कह देगा, रास्ता चलते लोग कह देंगे। दुखी रहना चाहो दुखी रहो, कौन रोकता है? क्यों दुख है? अहंकार का फोड़ा हम बनाए हैं, इसीलिए दुख है। स्वरूप का ज्ञान, स्वरूप स्व खुद रूप पदार्थ, अपने पदार्थ के अज्ञान से। अपना पदार्थ क्या है? साहब ने साखी प्रकरण में बीजक में कहा है, शुरू में आई है साखी, जो चाहो निज तत्व को शब्द ही ले हो परख। निज तत्व पर तत्व अध्ययन के दो विषय हैं, निज और पर। निज है आपका अस्तित्व, पर है प्रकृति। स्व और पर ये दो हैं। स्व आत्मा है, पर जड़ है। जड़ में लोभ लोभ करके, उससे अपने को जोड़ जोड़ करके सब जीव दुखी है। शरीर आप नहीं है, प्राण आप नहीं है, मन आप नहीं है, बुद्धि आप नहीं है। जो संसार के संबंधों में सुखानुभूत होती है वो भी आप नहीं है। सारा संबंध क्षणिक है। इन्हीं बातों में चिपक करके, अपनी अस्मिता अहंकार बना करके जीव हर समय पीड़ित है। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा शिष्य है, ये मेरा धन है, ये मेरा मठ है, ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा समाज है, यही सम्मान मान करके सब जल रहे हैं। ये सब मेरा नहीं है, ये सब एक संयोग है, मेरा कहना पड़ता है, लेकिन दृढ़ करके मेरा न मानो। श्री काशी साहब पारक सिद्धांत के एक मूर्धन्य संत हुए हैं। पारक सिद्धांत में आज तक सदगुरु कबीर के बाद 6 मूर्धन्य पुरुष हैं, बाकी और बहुत हैं, वो सब का योगदान है। कबीर साहब के बाद पहला नंबर है श्री गुरदयाल साहब का, वो फतुहा में हुए हैं, बिहार पटना के पास। दूसरे हैं श्री रामराज साहब, वो गया में हुए हैं, बिहार में। तीसरे हैं श्री पूर्ण साहब, वो महाराष्ट्र के थे और बुरहानपुर में वो प्रसिद्ध हुए हैं। उनका गुरुस्थान रीवा था, जिसके महंत जी का भाषण अभी आप मेरे पहले सुन रहे थे।
और उसके बाद श्री काशी साहब हैं, वे भी महाराष्ट्र के थे, लेकिन बुरहानपुर में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। उन्होंने पारक सिद्धांत का शास्त्रीय स्वरूप दिया और सभी व्यवस्था दी। उसके पश्चात श्री निर्मल साहब हैं जो गोरखपुर बस्ती के बीच में हुए हैं, निर्मल सत्य ज्ञान प्रभाकर न्यायनामा उनकी पुस्तकें हैं। उसके पश्चात श्री विशाल साहब जो अभी अभी 77 में शरीर छोड़े हैं, इसमें तो कई लोग बैठे होंगे जो उनके दर्शन किए होंगे बाराबंकी में। ये 6 महापुरुष ऐसे हुए हैं जो पारक सिद्धांत के निर्माता हैं, यानी उसको शुद्ध रूप देने वाले हैं। निर्माता तो कबीर साहब है और व्यवस्थित करते गए हैं। उसमें श्री काशी साहब ने जहाँ कहीं लिखा है वो कहा है दृढ़ मानना छोड़ो। सहज तो मानना पड़ता है, मेरा घर है, मेरा समाज है, मेरा मठ है। दृढ़ मानना छोड़ो, अंदर से न मानो, मेरा कहाँ है। एक सेकंड का झटका लगेगा और सब खो जाएगा। जोड़ने में जिंदगी बीतेगी, छूटने में एक सेकंड का झटका, मेरा कहाँ। सदगुरु कबीर ने सहज समाधि कही है, सहज समाधि में रहो। सहज समाधि के दो रूप हैं, एक व्यावहारिक और दूसरा आभ्यासिक। अभ्यास काल में चित्त का शांत हो जाना सहज समाधि है, व्यवहार काल में विकार शांत रहना सहज समाधि है। विकार और विचार आभ्यासिक स्थिति में, जब अभ्यास में हम रहें, स्थिर होके बैठ गए, आंख मूंद ले, ध्यान में है, उस समय सारे विचार बंद हो जाएं, शुभ अशुभ कोई विचार न हो, संकल्प मात्र शांत हो जाए, ये सहज समाधि अभ्यास कालिक। व्यवहार काल में विचार तो आए, आतेंगे, स्वाभाविक आएंगे, लेकिन विकार ना हो, क्रोध, काम, द्वेष, ईर्ष्या, चिंता, उद्वेग, अशांति, कोई विकार ना हो, ये जीवन है, इसके समान कुछ नहीं, कोई उपलब्धि नहीं। सब उपलब्धि थोथी है, झूठी है, और झूठी होके रहती है। इसके लिए भक्ति, सेवा, सत्संग, साधना, ये सब में लगो। सेवा, स्वाध्याय, साधना, तीन का नाम ले लेने पर समग्रता आ जाती है। सेवा, स्वाध्याय, साधना की त्रिवेणी में जो नमज्जन करता है उसको ये फल मिलता है सहज समाधि के। सेवा से चित्त शुद्ध होता है, तन। सेवा के तीन स्थान हैं, पवित्र आत्मा, असमर्थ और समाज। पवित्र आत्मा की सेवा करें, वहां से आपको बोध मिलेगा। असमर्थ की सेवा करें, ये बहुत बड़ा कर्तव्य होगा। फिर समाज की सेवा। सेवा से चित्त शुद्ध होता है। सेवा के बाद स्वाध्याय। गुरुजनों, संतों, जो रहनी संपन्न और बोध संपन्न है, उनके पास जाओ। वेदांत की भाषा में श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता है, कबीर साहब की भाषा में बोध और रहनी संपन्न कहा जाता है, बात वही है। श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ वेदांती कहते हैं। कैसा गुरु हो, कैसे संत हो, किसके पास समझाएं, जो श्रोत्री हो और ब्रह्मनिष्ठ हो।
श्रोत्री का मतलब जो बहुत सुना हो। पहले पुस्तकें नहीं थी, गुरु से सुन सुन करके शिष्य ज्ञान ग्रहण करते थे। जो बहुत सुना हो वो ज्ञानी हो जाता है। और ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्म नाम आत्मा, स्वयं आत्मनिष्ठ हो, आत्मलीन हो, ज्ञानी हो और ज्ञान का आचरण हो, आत्मलीन हो। सद्गुरु कबीर की परंपरा में कहा जाता है बोध और रहनी संपन्न हो। बोध समझ सब प्रकार से ठीक हो, व्यवहारिक आध्यात्मिक सब समझ ठीक हो, और रहनी हो। रहनी का मतलब है पवित्र ढंग से चलना, और अंतिम बात है मन का शांत रहना। तो बोध रहनी संपन्न संत गुरु की संगत में जाओ और उनके विचारों को सुनो और मनन करो। आजकल ग्रंथ बहुत हो गए, ये आपके लिए बड़ी सुविधा है। पहले ग्रंथ होते थे, किसी महापुरुष ने कुछ लिखा, कापी में रहती थी चीजों, दूसरे लोग प्रतिलिप करते थे। जब सद्गुरु श्री पूर्ण साहब ने बीजक त्रिज्या टीका लिखी, रीवा में उन्होंने शुरू किया था, रीवा ही गुरुस्थान था, लेकिन राजा के विचारों की भिन्नता के नाते वहाँ से वो चले गए थे, तो कई जगह घूमे, फिर अंत में बुरहानपुर में बैठ के पूरा किए। तो जब उन्होंने पूरा कर दिया तब रीवा नरेश ने अपना एक पंडित भेजा, श्री पूर्ण साहब की टीका पूरी नकल करा करके उसी ने मंगाया और उसको पढ़ा, फिर अपनी टीका किया। बड़ा भ्रम था कि पूर्ण साहब की टीका पीछे बनी है और रीवा नरेश के पहले, लेकिन गलत है, रीवा नरेश की टीका पीछे बनी है, पूर्ण साहब की पहले। स्वामी शंकराचार्य हों या कोई महापुरुष हो, जो लिखते थे कापी में रहती थी और लोग उसकी नकल कर कर के ले जाते थे। आजकल हजारों प्रतियां छपती रहती हैं, फैलती रहती हैं, ये बहुत सुविधा का समय है। जो नया विज्ञान आया कैसेट, उसने तो और कमाल कर दिया, अपने घर बैठे सुनते रहो। एक भक्त मुझे बताए अपना नियम कि साहब मैं कैसे करता हूँ, रात में कैसेट लगा देता हूँ और बंद कर देता हूँ, नींद खुलती है तुरंत बटन दबा देता हूँ, प्रवचन शुरू हो जाता है, फिर मैं शौच मंजन व्यायाम स्नान सब करता हूँ, इसमें एक घंटा लगता है, एक घंटा प्रवचन भी सुनता हूँ और ये काम भी करता हूँ। जब नियम पूरा हो गया शौच स्नान का, तब ध्यान करता हूँ, तब कैसे बंद कर देता हूँ। ध्यान के बाद थोड़ा अध्ययन करता हूँ, तब जलपान के ऑफिस जाता हूँ जलपान करके। तो एक घंटा जो शौच व्यायाम स्नान में बीतता है वो प्रवचन सुनता हूँ। ये सब सुविधाएं हो गई, इसका दुरुपयोग होता है टीवी इत्यादि में, दुरुपयोग करने वाले करें, जो सदुपयोग करने वाले वे समझें। सदुपयोग दुरुपयोग सब समय रहा है, सब समय में जीव मुक्त हुए हैं, आज भी होंगे आगे भी होंगे, और सब समय जीव बंधन में रहे। महावीर स्वामी का समय, तथागत बुद्ध का समय, सनत कुमार का समय, स्वामी शंकराचार्य का समय, सद्गुरु कबीर का समय ऐसे रहा जैसे आज है। धूल गर्दा हल्ला गुल्ला राग द्वेष कला कल्पना, जो आज वही तब भी था, और उसी बीच में अनेक संत अपना उद्धार कर गए। आज भी जो उद्धार करना चाहेगा कर लेगा, आज समय खराब नहीं है, बहुत बढ़िया। स्वाध्याय करो, संतों से सुनो गुनो और स्वयं ग्रंथ पढ़ो, बोध और रहनी के विषय में खूब समझो, और फिर साधना, अपने पर नियंत्रण, खान पान में सादा खाओ,
नशा ना लो, कोई नशा ना लो, पान भी ना खाओ, सादा भोजन करो, मिर्च मसाले हितकर नहीं है, हल्का नमक, जीरा, धनिया ये बहुत है, सादा भोजन करो, लड़ाई झगड़ा न रखो, विवाद न रखो, कोई विवाद करे तो विवाद न करो, घर में बाहर कहीं भी, पति गर्म हो जाए तो पत्नी संभाल ले, पत्नी गर्म हो तो पति संभाल ले, जिस समय जो गर्म होता है उस समय होश में नहीं रहता है वो, तो क्षमा का पात्र है, लड़ो मत, विवाद से रहित रहो और ध्यान का अभ्यास करो। जो हल्का भोजन रखेगा और विचार हल्का रखेगा उसका ध्यान बढ़िया बनेगा, जो डट करके खाएगा वो ध्यान नहीं कर पाएगा, डट करके खाने वाला स्वास्थ्य ही खराब कर देता है। हमें जो विश्वास है कि डट के खाना चाहिए इससे स्वास्थ्य रहता है, बहुत नुकसानदेह, हल्का खाना चाहिए, इसका अनुभव मुझे स्वयं है। मेरे लिए शिकायत है आप लोगों की, प्राय कहते साहब आप बहुत दुबले हैं, बहुत दुबले हैं। अरे कितने लोग तो इतने दुखी हो जाते हैं साहब सूख गए। अरे सूखने वो गीला होने की चीजें है, इसमें धारा क्या है, कहीं कभी ये काया खोटी, कभी पतरी कभी मोटी। कम खाता हूं और काम खूब करता हूं, स्वस्थ रहता हूं। अब तो चलने के समय नहीं मिलता है, गाड़ी घोड़ा लोग लाते हैं, लेकिन चलना पड़े 4-6 मील तो कुछ भी नहीं है, 10-15 मील चलता रहूं थकता नहीं हूं। और अभी किसी काम में जो मेरा काम करता हूं थकता नहीं, और विश्वास करता हूं शरीर से मोटा काम करूं वो भी कल ले जाऊंगा, लेकिन अवसर नहीं पड़ता है, नींद ठीक से आती है, सब बढ़िया है। कम खा करके सीखो तो समझो, कम खाना बहुत जरूरी है लेकिन बहुत कम नहीं। कम खाने का लक्षण यह है कि भोजन के टाइम में खरी भूख लगे तब आपने कम खाया है, और खरी भूख होती है जब तब भोजन मीठा लगता है और उसका रक्त अच्छा बनता है, रस रक्त, और शौच साफ होता है, टट्टी पतली हो रही है तो आप ज्यादा खा रहे हैं। अब कोई असावधानी करे बहुत कम खाए तो सूख जाएगी, वो भी ठीक नहीं है, बंद करके टट्टी आनी चाहिए और टाइम से भूख लगना चाहिए, पेट साफ हो मन साफ हो, बस कृतार्थ है वो आदमी। जीवन का सुख बहुत सस्ता है, उसके लिए बहुत वैभव नहीं चाहिए, पेट साफ रखना चाहिए मन साफ रखना चाहिए, और दोनों अपने अधिकार में है। सात्विक भोजन करो, सादा करो, हल्का खाओ और विवाद से रहित रहो, क्षमा गम संतोष रखो, अपने पर संयम, मन ठीक रहेगा, बस मां सुखी। सुबह का समय बहुत बढ़िया है, अगर आप स्नान करके बैठे तो और अच्छा है, शौच स्नान करके, किसी को सुविधा ऐसी नहीं है, उसको शौच देर में होती है, या शौच तो हो लिया स्नान करने का भी सुविधा नहीं है, तो ऐसे बैठो कोई बात नहीं, स्नान करके बैठने से और अच्छा रहता है। और स्थिर होके बैठो, सिर गला कंधा सीधा रखो, झुक करके नहीं, और आंखें भी बंद कर लो और किसी आधार में अपने मन को ठहराओ, शुभ आधार। जब आदमी ध्यान में बैठता है तो ध्यान में क्या आता है, जो देखा सुना भोगा है, यही आता और कुछ नहीं आता है। देखे हैं सुने हैं भोगे हैं उसी की याद आती है, तो इन्हीं में से एक शुद्ध आधार छांट लो,
उसमें मन टिकाओ, बाकी में न टिकाओ। आंखें बंद की तो किसी संत पुरुष का चित्र मन में ले लो जिनमें आपकी सहज श्रद्धा है, उसी चित्र में अपने मन को रोको। बाकी जो देखते हो, सुनते हो, भोगे हो, उसको ना ख्याल करो। चित्र को देखे हो, देखा तो वो भी है, लेकिन उससे मन अच्छा बनेगा। दूसरी साधना है, आंखें बंद हैं तो बंद आंखों में अंधकार प्रकाश जो दिखे उसी में मन को ठहराओ, इसको दृष्टि योग कहते हैं। जब हम आंखें बंद करते हैं तो या तो अंधकार दिखाई देता है, या तो प्रकाश दिखाई देता है, या तो मिलित अंधकार प्रकाश दिखाई देता है, ज्योत दिखाई देती है, गर्मी होती है आंख में, तो जो दिखाई दे, कुछ कल्पना न करो, जो दिखाई दे उसी में मन को ठहराओ, बाकी चीज न सोचो, ये दृष्टि योग है। स्वर योग, सांस आती जाती है अपने आप, सांस पर मन ठहराओ, सांस अपने आप आ जा रही है, केवल सांस पर मन ठहराओ। ख्याल यही रखो कि सांस आ जा रही है, तो सांस पर मन को लगाओ और कुछ न सोचो, इसको कहते हैं स्वर योग। बिंदु योग, एक चमकता हुआ बिंदु मस्तिष्क में, त्रिकुटी में, कंठ में, हृदय में कल्पना कर ली, उसी में मन को रोकते, इसको कहते बिंदु योग। कुछ साधक शब्द योग करते हैं, दोनों कानों में उंगली डाल लिए तो आवाज आने लगती है, उसी में मन ठहराते हैं। जब अभ्यास हो जाता है तो कान में उंगली नहीं डालना पड़ता, अपने आप सुनाई देता है। शरीर यंत्र है, इसमें आवाज होती है। ये सब मन को ठहराने के आलंबन है, ये सब विषय है, विषय नाम पदार्थ, जड़ पदार्थ। लेकिन एक कांटा चुभा है तो दूसरे कांटे से खोद करके निकालना पड़ता है। दोनों कांटे हैं, पहला वाला कांटा निकल गया, दोनों कांटा फेंक दिए। तो बेकार की चीजें, काम वासना की चीजें, क्रोध लोभ राग द्वेष, प्रपंच की चीजें याद में आती हैं, उसकी अपेक्षा किसी संत पुरुष का ध्यान, दृष्टि योग, स्वर योग, नाद योग, बिंदु योग, कोई आधार लो। ध्यान क्या है, एक छोटी सी पुस्तक है, ये बुक स्टॉल में आपको मिलेगी, वो रखो, 500 बार पढ़ डालो, खूब अभ्यास हो जाएगा, उसके आधार पर आप ध्यान सरलता से कर सकेंगे। ये सब मन रोकने के साधन है, अंतिम ध्यान ये नहीं है। अंतिम ध्यान है कुछ न सोचना, और उसके लिए दृष्टाभ्यास। ये दृष्टाभ्यास राजमार्ग है, सबसे मान्य है। दृष्टाभ्यास का अर्थ होता है जैसे नदी के किनारे एक व्यक्ति बैठा है, नदी की तरंग मालाओं को देखता है, बहता नहीं है, खाली देख रहा है। ऐसे दृढ़ होकर बैठो और जो याद आए उसको देखो, उदासीन होकर इस दृश्य से देखो कि कुछ न याद आए। याद आ गया, छोड़ दो, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, तटस्थ, उदासीन। तटस्थ का मतलब है तट पर स्थित, तटस्थ, दो पद मिला करके तटस्थ शब्द बनता है। नदी के किनारे को तट कहते हैं, और उस किनारे पर जो बैठा हो अस्थ स्थित है, तटस्थ। संकल्पों में तटस्थ रहो, संकल्पों को केवल देखो, संकल्पों में बहो ना, जो याद आए छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, उदासीन, इसको कहते हैं दृष्टाभ्यास। ये दीर्घ काल तक करते करते ऐसी शक्ति आ जाती है कि सोचना बंद हो जाता है, कुछ ख्याल नहीं आता है। और जब ये शक्ति पूरी हो जाती है तो साधक को दृष्टाभ्यास भी नहीं करना पड़ता है, वो ध्यान दिया उधर, मन शांत, सोचना एकदम बंद।
अभ्यास और वैराग की शक्ति जब बढ़ती है तब यह दशा आती है। अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य है विषयों से हटना, अभ्यास है आत्मा में लगना। बारंबार आत्मचिंतन करते करते, स्वरूप स्मरण करते करते, मैं अजर हूं, अमर हूं, अखंड हूं, शुद्ध हूं, निर्मल हूं, मैं शरीर नहीं हूं, प्राण नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं, दृश्य मात्र में नहीं हूं, मैं तो दृष्टा हूं, इस प्रकार का विचार करते करते अभ्यास बढ़ता है। और फिर साक्षी अभ्यास, दृष्टाभ्यास और वैराग्य। संसार की सब चीजें नश्वर हैं, कुछ रहने वाली नहीं। जिसको हम अपनी उपलब्धि कहते हो, हमारी उपलब्धि नहीं है, भ्रम है। बचपन से आज तक देख चुके हैं, होश में नहीं है। कितनी उपलब्धियां हुई, कुछ रहा? इसमें बैठे रहने वाले कितने होंगे जिन्होंने जीवन में कितना रुपया कमाया होगा? कुछ है? आया और गया, इधर से आता है, उधर जाता है। 100 वर्ष पुरानी चीज आपके घर में नहीं होगी। 100 वर्ष का मकान बड़े बड़े शहरों में कोई कोई होता है, जबकि आजकल पक्का मकान बन रहा है। तो काल सबको पीस करके रख देता है। चारों तरफ जो दिखाई देता है केवल धूल है, केवल धूल है। वही धूल अनेक रूप रंगों में निर्मित होकर के कार्य पदार्थ उपस्थित है। स्त्रियों के शरीर, पुरुषों के शरीर, काष्ठ, पत्थर, रुपया, पैसा, बर्तन, चांदी, सोना, अन्न, यंत्र, किताबें, नाम कितने लिए जाए। निर्मित पदार्थ जितने हैं उनको कार्य कहते हैं, और मिट्टी, पानी, आग, हवा को कारण कहते हैं। कारण कार्य का ये जगत प्रवाह है। जिसको आप उपलब्धि कहते हैं और अपना ऐश्वर्य कहते हो, केवल धूल है। लेकिन ये समझ में नहीं आता है, इसलिए सब भ्रांति में है। और इसी भ्रांति में पढ़ करके लोग अहंकार करते हैं, काम बस होते हैं, क्रोध बस होते हैं, छीना छपटी करते, इसी धूल की छीना छपटी करते हैं सब। और अपने मन को खराब करके अनाथ काल से जैसे बहते रहे तैसे बह के चले जाते, मर करके, मक्खी की तरह। मक्खी मर गई तैसे आदमी मर गया, हो गया। इतना अनोखा जीवन और निरर्थक चला जाता है। संसार ऐसा है, इसको समझ पाओ तो वैराग्य अपने आप हो जाएगा। लेकिन समझने के लिए मन लगाना पड़ेगा। समझो, जितना समझते जाओगे वैराग बढ़ता जाएगा। एक थानेदार ने मुझसे पूछा था, निर्मोहता कैसे पक्की हो? रात में मेरा प्रवचन सुना, सुबह आया, बहुत समझदार थानेदार, 55 वर्ष की उम्र होगी। कहा महाराज, मैंने कहा कुछ पूछना हो पूछो। कहे महाराज, एक ही बात पूछना, निर्मोहता कैसे पक्की हो? बहुत काम की बात उसने पूछी। फिर चमत्कार का पूछा, चमत्कार होता है हमके? बिल्कुल नहीं होता। थोड़ा समझाया, वो समझ गया। पीछे पता लगा कि हमारे एक संत से वो जुड़े थे, इसी रायबरेली में। उन्होंने कहा कि जब वो एक संत कहीं चले भंडारे में, संत सम्मेलन में, तो मुझे कहें चलो मेरे साथ, तो मैं जाऊं। तो मैंने कहा, भाई अखाड़ा का लत मरुआ है आप, इसीलिए पहलवान हो गए। अखाड़ा का जो लत मरुआ होता है, आगे चल करके वो पहलवान हो जाता है। तो उन्होंने कहा, निर्मोहता कैसे पक्की हो? मैंने कहा, वस्तु विचार से। तो इस पर कुछ बोला, जैसे मेरी गोद में मेरा पुत्र है, थोड़ा विचार करें तो एक लड़का है।
थोड़ा और विचार करें तो हाण मांस का एक लौंदा है, थोड़ा और विचार करें तो मिट्टी का पिंड है, थोड़ा और विचार करें तो कणों का प्रवाह है। विचार करते जाओगे वस्तु खत्म होती जाएगी, यानी खत्म होने की स्थिति का अनुभव होगा, अंत वाली बात याद आएगी। अंत में क्या होना है? कणों का प्रवाह। सभी शरीर कणों के प्रवाह हैं। इस पर अकेले में बैठो, सोचो, बराबर सोचो देर तक, अभ्यास बनते बनते वैराग कपड़ा नहीं है। हम लोगों के जो साधु के कपड़े हैं, ये कपड़े से वैराग नहीं होता है और न घर छोड़ने से वैराग होता है। घर छूटता है वैराग से, लेकिन जो पक्का हो, छोड़ करके भी वैराग ठंडा हो जाता है तो बेकार हो जाता है। चाहे कोई घर में हो और चाहे साधु आश्रम में हो, चाहे वो गृहस्थ का कपड़ा पहने हो चाहे साधु का कपड़ा पहने हो, स्त्री हो पुरुष हो, सबको वैराग की जरूरत है। क्योंकि सबको संसार अचानक छोड़ना है और सबको सुख चाहिए और राग से दुख होता है, वैराग से सुख होता है। एक सुख का आधार है वैराग। वैराग का अर्थ क्या है? अनासक्ति। अनासक्ति कोमल भाषा है, वैराग भड़काऊ भाषा है। वैराग कहने से एक भड़क होती है और अनासक्ति कोमल भाषा है, बात दोनों एक है। चित्त अनासक्त होगा तब दुखहीन होगा, चित्त आसक्त होगा तो दुखहीन नहीं होगा। अनासक्त चित्त दुखहीन होता है। जो समय बीतता है इसी में हम अपना काम कर सकते हैं। काम न करें, 10 गुना समय बढ़ जाए, क्या फायदा है? अभ्यास और वैराग जब दोनों बढ़ जाता है और चरम सीमा पर अभ्यास वैराग बढ़ गया तो दृष्टा अभ्यास भी नहीं करना पड़ता है। साधक जब चाहता है बैठा और मन सिमट गया, शांत, ये समाधि। कुछ न सोचना समाधि, कुछ न सोचना ध्यान है। ध्यानम निर्विषयम मन, ये कपिल जी महाराज का सूत्र है। ध्यानम निर्विषयम मन, ध्यान क्या है? मन का निर्विषय हो जाना। विषय नाम पदार्थ, ख्याल में पदार्थ आते हैं, चित्त वृत्ति में पदार्थ आते हैं और शब्द आते हैं, नाम रूप स्मृत में चलते हैं। इस पर जरा ध्यान दीजिए, जब हम ख्याल करते हैं कुछ, चित्त वृत्ति चलती है तो उसमें नाम रूप दोनों तरंगायित होते हैं। हम बैठे हैं, सड़क की ख्याल आई तो सड़क का 3 अक्षरों का नाम हमारे दिमाग में आ गया और उसका लंबा आकार दिमाग में आ गया, ये नाम रूप दोनों आ गए। गोबर की याद आई, गोबर नाम आ गया और गोबर का आकार आ गया। इसी प्रकार और समझ लें, जितनी स्मृति आएंगी उनमें नाम रूप आएंगे, अस्मृत और नाम रूप। अस्मृत शांत हो गई तो नाम रूप शांत हो जाते हैं, तब शुद्ध चेतन सत्ता मात्र रह जाती है। अत्यंत ऊंचा पद है, इससे ऊंचा पद कुछ नहीं, सर्वोच्च पद है। योगश्चित वृत्त निरोध, पतंजलि महाराज कहते हैं योगश्चित वृत्त निरोध, योग चित्तवृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त वृत्ति का निरोध, चित्त की उर्मियों तरंगों का निरोध, पानी और पानी की तरंग, ऐसे चित्त और चित्त की वृत्ति। पानी और तरंग अलग अलग नहीं है, तरंग पानी की एक विशेष अवस्था है। तरंग नहीं उठती है तब भी पानी है, तालाब में पानी है, शांत है। हवा आई या किसी ने कोई पदार्थ डाल दिया तो तरंग उठ गई। इसी प्रकार चित्त तो है, लेकिन जब चित्त में स्मरणों का प्रवाह चला तो तरंग है, वही वृत्ति है।
वृत्त कहते हैं घेरा को, लपेट को, तो वो लपेट ऐसा है कि क्षण क्षण में लपेट बदलता रहता है, चित्तवृत्ति बदलती रहती है। इन सारी चित्तवृत्तियों का एकदम शांत हो जाना योग है, कुछ न सोचना योग है, कुछ न सोचना ध्यान है, कुछ न सोचना समाधि है। ये सहज है और कठिन है, सबको कठिन लगता है क्योंकि सब बहिर्मुख है। लौकिक उपलब्धियों में पुलके पुलके समय बिता रहे, गृहस्थ नहीं साधु भी, मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा इसी में मन फूला फूला घूमता है। कितने साधु तो यही समझ लेते हैं, हम साधु वेश मिला है तो एक ही काम के लिए मिला है, पूजा सत्कार हो, और क्या फल क्या है, साधु वेश का क्या फल है, पूजा मिले सत्कार मिले, मुड़ मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट गई खाज, बनी बनाई रोटी मिले लोग कहे महाराज। तो पूजा प्रतिष्ठा हो साधु वेश का फल यही है, मान लेते हैं महा धोखा है, पूजा प्रतिष्ठा इसका फल नहीं है। साधु वेश मृत वेश है, कफन है, और कफना दिया गया, दफन हो गया, समाधि में जाओ, मर जाओ संसार से, अहंकार ममकार छोड़ दो। कोई भी हो, अनासक्ति अवस्था सुख स्वरूप है। संसार की नश्वरता का पूरा बोध जब बना रहता है तो चित्त में कोई दुख नहीं रहता है। इस धरती पर वे धन्य हैं जिनके मन में दुख नहीं है। बिल्डिंग वाला सफल नहीं है, कार वाला सफल नहीं है, मठ वाला सफल नहीं है, पद वाला सफल नहीं है, गुरु बाबा महामंडलेश्वर ये सब सफल नहीं है, जगत गुरु सफल नहीं है, लेखक भी सफल नहीं है, बहुत लिख दे उस दशा में न हो कुछ नहीं होगा। मेरी पुस्तकें देश विदेश में जाती हैं और खूब लोग पढ़ते हैं, हमारे साधु लोग बरहो महीना छपाते हैं, हर समय मांग बनी रहती है, बहुत व्यस्त रहते हैं। अगर मैं अपनी रहनी में न रहूं तो मेरी पुस्तकों से आज और आगे लाखों लाखों लोगों का लाभ होगा, मेरा लाभ नहीं होगा, मैं वैसे रह जाऊंगा। किताब लिखने से मैं मुक्त नहीं होऊंगा, वासना के त्याग से मुक्त होऊंगा। किताब लिखा हो दूसरे के लिए है, अब अपने लिए भी है। एक सज्जन ने पूछा था कि महाराज जो आपकी पुस्तकें हैं आप उसको कभी पढ़ते हैं अथवा पढ़ते हैं तो कैसे लगता है, तो मैं कहता हूँ भाई जब कोई पुस्तक मैं उठा लेता हूँ तो इतना डूब जाता हूँ कि मन सब भूल जाता है, वही पढ़ने लगता हूँ। वेद जो मैंने लिखा है, वेद क्या कहते हैं, साधना की बातें कम हैं, लोक व्यवहार की बातें बहुत हैं, लेकिन उसको पढ़ने लगता हूँ उसी में रम जाता हूँ, और बीजक व्याख्या कबीर दर्शन इत्यादि की तो बात ही अलग है, और तो सीधे सब वही है। तो अपने लिए भी लाभ कर है, दूसरे के लिए भी लाभ कर है, लेकिन लाभ का मतलब क्या है, लाभ का मतलब है कला कल्पना शांत हो जाए, झगड़ा न रहे मन में और किसी से, और कल्पना न रहे, तृप्त आत्मा संतुष्ट आत्मा निरंतर संतुष्ट, ये समाधि का फल है। इसमें ऐसे भी लोग हैं जिसको सुने नहीं होंगे, और ऐसे लोग हैं जो ये साधना करते हैं, और बीच के लोग भी हैं जो नहीं सुने हैं, वो सुन करके इस पर सोचें और सीखें कि क्या है, जो कुछ समझे हैं इसको और बढ़ावें, और जो इसमें रमते हैं इसको और गहराई में जाएं। संतोष सहज समाधि भली, सद्गुरु ने कहा है, बीजक में कहा है सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान है, सहज आपका स्वरूप क्या है, चेतन, आप केवल चेतन है बस, न स्त्री है न पुरुष है, न काला है न गोरा है, न ब्राह्मण है न शूद्र है, न बिहार के हैं न उत्तर प्रदेश के हैं, न गुजरात के हैं न छत्तीसगढ़ के हैं, ये सब तो औपाधिक चीजें हैं, आप शुद्ध चेतन हैं, देश कालातीत हैं,
आप किसी देश और काल के नहीं हैं, देश और काल दोनों से अतीत शुद्ध बुद्ध निर्मल असंग है। इस भाव को सोचें, आप परमात्मा हैं, ब्रह्म है, राम है, खुदा है, अल्लाह है, परमानंद पद आप में है, परम सुख आप में है, फिर दुखी क्यों? समझ नहीं है, उस स्थित में नहीं है। इस पर मुझे याद आती है, छत्तीसगढ़ के जंगली क्षेत्र में मेरा कार्यक्रम था, बड़ा कार्यक्रम था। एक वृद्ध 10-5 साथियों के साथ आए, वो कबीरपंथी नहीं थे, सुने थे मेरे कि सुन, उनको सुनना है, विचार सुने होंगे या ऐसे सुने होंगे, महिमा केवल आए, वेद के मंत्र कुछ लिख करके लाए थे। कहे महाराज इसका अर्थ क्या है? तो अर्थ बताने लगा। कहे नहीं, वो सब अर्थ ना बताइए, खास एक बात हम कहे, बताओ क्या है? तो ब्रह्म के 3 पाद अमृत में स्थित है और 1 पाद में ये जड़ प्रकृत जगत है, ये वेद में आता है। तो कहा महाराज, जो एक ब्रह्म का पाद नाम हिस्सा, यानी ब्रह्म के 1/4 में तो ये जगत है जो प्रपंच है, और 3/4 में अमृत है। तो कहा महाराज, वो 3/4 3 पाद जो अमृत है वो कहाँ है? तो मैंने कहा केवल कागज में है। तो अस्तंभित हो गए। कहे महाराज, जगत गुरुओं मंडलेश्वरों बड़े बड़े प्रवक्ताओं से पूछा, कोई समाधान नहीं कर पाया। मैंने कहा भाई, तो मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा? मैंने कहा केवल कागज में है, लिखा है बस। तो कहे महाराज, तब कहीं अमृत है कि नहीं? मैंने कहा है। कहे कहाँ है? मैंने कहा आप में। कहे अनुभव नहीं होता है? मैंने कहा संसार से निष्काम नहीं होते इसलिए? संसार से निष्काम नहीं होते हैं इसलिए अनुभव नहीं होता। तो आंख मूंद करके वे देर तक बैठे रहे। कहे महाराज, समाधान हो गया। मैंने कहा वो अलंकार में कहा है, ब्रह्म के 3 हिस्से में अमृत है और 1 हिस्से में ये विकारी जगत है, ऐसा कुछ नहीं। अमृत आप खुद है। सद्गुरु कबीर ने कहा है, अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोग, कहीं कबीर कामो नहीं, जीव ही मरण न होए। अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोए, कहीं कबीर कामो नहीं, जीव ही मरण न होए। लोग अमृत वस्तु नहीं जानते, सब विषयों में मगन है, दुनिया की चीजों में मगन है। तो अमृत क्या है? कामो नहीं। जब कामना चित्त की निवृत्त हो जाए, निष्काम चित्त हो जाए, कुछ न चाहे, कोई कामना नहीं जगत की, और जीव ही मरण न होए, जीव का मरण नहीं होता है, जीव अमृत है, वो मरता नहीं। मृत नाम मरा हुआ, अमृत नाम जो न मरे, जीव अमृत है। लेकिन उसकी पूर्णता तब होती जब कामों नहीं, कामना न हो। ये सिद्धांत और व्यवहार है, थ्योरी और प्रैक्टिकल है। आत्मा अमृत है, ये थ्योरी है, सिद्धांत है। निष्काम होना ये व्यवहार है, यही प्रैक्टिकल है। निष्काम हो जाओ बस अमृत है। तकलीफ कहां से होती? कामना से। कामना कहां से होती? अहंकार से। सब जीव अहंकार में डूबे हैं, जो उनका नहीं है उसी में अहंकार गांठे बैठे हैं। आपका क्या है? आपका तो कुछ भी नहीं है। और ये बात बड़ी सरल है समझना, जब जीव शरीर छोड़ के जाता है तो कुछ लेके नहीं जाता है, और अकेले आया है, अकेले जाएगा। क्या सहज नहीं समझा जा सकता इस दुनिया में मेरा कुछ नहीं है? हम जीवन भर
उन वस्तुओं के मालिक बने बैठे रहते हैं जो मेरी बिल्कुल नहीं है। ये जिंदगी का कितना बड़ा धोखा है। और ऐसे धोखे में जो पड़ा है वो दुख नहीं पाएगा तो क्या पाएगा? माने बैठा है मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये मेरी उपलब्धियां हैं। अहंकार पूर्वक कितने महंत लोग, अहंग साहब मैंने ये किया वो किया वो किया, ये सब केवल मैंने ही किया है। अरे कोई पूछे भी तो कहो समाज ने किया है, भक्तों संतों ने किया है, मैं क्या किया हूं? मैं कुछ नहीं किया हूं, ना कुछ किया ना कर सका, ना करने योग्य शरीर, जो कुछ किया सो हर किया, कहें कबीर कबीर। ये विनम्रता की बात है, जो कुछ किया सो हर किया। हर नियम है, नियमों से सब होता है, प्राकृतिक नियम, सामाजिक नियम। सरकार क्या है? राष्ट्रपति कहता है मेरी सरकार ये काम करेगी, प्रधानमंत्री कहता है मेरी सरकार ने ये संकल्प लिया है ये काम करेगी। राष्ट्रपति सरकार नहीं है, प्रधानमंत्री सरकार नहीं, तो कौन सरकार है फिर? विधान, विधान सरकार है। प्रकृति का नियम विधान है, वो सरकार है, और मनुष्य का बनाया नियम जो कल्याणकारी वो विधान है। हरि ये विधान है, विधान से होता है, विधि से होता है। मैं करता हूं ऐसा करके ही तो सब फंसते हैं। अब ऐसे अहंकारी गुरु महंत होते हैं कि ऐसा करते करते उनके पास एक आदमी भी खड़ा नहीं होना चाहता है, क्योंकि वह सब में हेठी, दूसरे की मानते हैं वो अपनी विशेषता। मैंने सब किया, मैंने सब किया, मैंने सब किया। गृहस्थों में तो है ही, जब साधु कहलाने वैसे हैं तो गृहस्थों में क्या कहें? क्या किया? कुछ नहीं किया। अब अंतिम काम जो कर लेगा तो उसको करना क्या कहेगा? आत्म अनुभव जब भया तब नहीं हर्ष विषाद, चित्र दीप सम होए रहे तजके बाद भी बाद। ये सद्गुरु कबीर की साखी है। जब आत्म अनुभव हुआ तो हर्ष विषाद खत्म हो गया। चित्त में केवल आत्म अनुभव, जगत नहीं। अनात्म चिंतनम तिक्ता कश्मलम दुख कारणम, चिंत आत्मान मानंद रूपम यन मुक्ति कारणम। ये स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा। स्वामी शंकराचार्य क्या कहते हैं ये पुस्तक अब व्याख्या पूर्वक बुक स्टॉल में आ गई है। अनात्म चिंतनम तिक्ता, अनात्म चिंतन का त्याग करो। कश्मलम दुख कारणम, अनात्म चिंतन कश्मल है, दुख का कारण है। कश्मल कहते हैं मूर्छा को, बदहवासी को, अविवेक को, मलिनता को, और दुख का कारण है। चिंतयात आत्मान आनंद रूपम यन मुक्ति कारणम, आत्मा का चिंतन करो जो आनंद स्वरूप है, मुक्ति का कारण है। इसके लिए रोज अभ्यास करो, टाइम निकालो, रोज बैठो एक बार दो बार जितना कर पाओ, थोड़ा शुरू करो फिर बढ़ाओ। स्वाध्याय साधना सेवा, सदैव जो जहां रहा है सेवा भाव वाले हो, अपने तन मन धन की शक्ति से दूसरे की कुछ सेवा हो सके, ये भाव सदैव इंसान को रखना चाहिए। क्योंकि अनेकों की सेवा सहयोग से मेरा जीवन चलता है, तो मुझे भी कुछ अपनी शक्ति के अनुसार दूसरे की सेवा करनी चाहिए, इससे चित्त शुद्ध होगा, स्वाध्याय से ज्ञान प्रखर होगा और साधना से विश्राम मिलेगा। सेवा जहां रहो सेवा परायण रहो, और स्वाध्यायरत रहो, और रोज समय निकालो साधना के लिए, ध्यान में बैठो। सद्गुरु कबीर के विचारों को लेकर के विविध प्रकार के लोग ध्यान की श्रेणी निकाले हैं, अन्य अन्य मत वाले। कबीर साहब महायोगी माने जाते हैं,
उनके विषय में तो सब में वहा विशेषण है। तो संतो सहज समाधि भली, ये सहज समाधि क्या है? जिस पद में ये हेडिंग है उस समय सहज समाधि का पूरा भावार्थ व्यावहारिक सहज समाधि है। कान न मोदो, आंख न रोदो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंसे पहचानो, सुंदर रूप निहारो, उठत बैठत कबो न छूटे, ऐसी तारी लागी। तो हर समय उठते बैठते चलते फिरते निर्विकार मन रखना, ये सहज समाधि व्यावहारिक है। व्यवहार काल में रहते मन निर्मल है। आप खेत में काम करें, नाली साफ करें, शौचालय साफ करें, दफ्तर में काम करें, कारखाने में काम करें, सड़क पर काम करें, मन निर्मल है तो सहज समाधि में है। और जब अभ्यास में बैठे तब सहज समाधि है। संकल्प शांत हो जाना, कुछ न सोचना, ये तो पूरी अवस्था है। यहां तक न गति हो तो साक्षी बने, मन को देखें, संकल्पों को शांत करें। इसमें भी मन न ठहरे तो दृष्टि योग करें, बंद आंखों में जो दिखाई दे अंधकार प्रकाश उसी में मन को निग्रहित करें। मैं कई बार इसको घुमा के इसलिए कहता हूं जिससे दिमाग में आ जाए। ध्यान क्या है? पुस्तक पढ़ करके अच्छी तरह से आ जाएगा, और उसको कई बार पढ़ो तो मन की धारा में वो मिल जाएगा, फिर वैसे होने लगेगा। और ध्यान के विषय में उसमें सब सावधानियां बता दी गई हैं। मनोनिग्रह, मन का विश्राम परमानंद है। सब जीव अनंत सुख चाहते हैं, अनंत सुख, अगाध अमृत, परमानंद, आत्यंतिक सुख, निर्वाण सुख, परमात्मा की प्राप्ति, ब्रह्मलीनता, स्वरूपलीनता, स्वरूप स्थित, इन सारे शब्दों का अर्थ एक ही है, मन का पूरा विश्राम पा जाना। और आपके हाथ में, हमने आपने अपने को दोहरा बनाया। हमारे में दो मैं हैं, एक मैं शुद्ध आत्मा और एक मैं मन। मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं धनी हूं, मैं निर्धन हूं, मैं योग्य हूं, अयोग्य हूं, साधु हूं, गृहस्थ हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, ये सब मैं मन का है। इसी मैं में सारा कांटा बनता है, झाल झंखाड़ अंदर में, और उसी में नुच नुच करके हरदम हम रोते हैं। क्या करें साहेब, पत्नी ऐसी है, पुत्र ऐसा है। अरे पत्नी पुत्र जैसे हैं सब ठीक है, तुम ठीक हो जाओ, बस वज्र बन जाओ सहने के लिए। मोक्ष द्वार में प्रवेश उसका होता है जो मर जाता है। और मर जाना शब्द आप सुनना नहीं चाहते हैं। मर जाने का मतलब क्या है? मन को मार लेना। साहेब की एक पंक्ति है, तब जाना जब जीवत मुंह, जीवन को तब जाना जब जीते जीते मर गया। आप घर में गए, पत्नी ने गरम कह दिया, आप चुप रहे, बस अमृत है, आप मानो मर गए, चुप। वो स्वयं सोचेगी, अब आप भी कुछ बोल दिए तो लंका कांड शुरू। मेरे शिष्य ने कुछ कह दिया, मैं मौन हो गया, वो शांत हो जाएगा। क्रोध में दुख बढ़ता है, मन को मारो। साधना क्या है? सह लेना। इंद्रिय के विकार मन में आए सह लो, ऐसा काम न करो। मन के विकार आए उसको सह लो, ऐसा काम न करो। कोई उल्टा पलटा कहा उसको सह लो, ऐसा काम न करो। सब समय सहना साधना है। और ये कोई साध ले फिर बेड़ा पार है। घर का काम बढ़िया होगा, परिवार के लोग सुखी हो जाएंगे, समाज के लोग सुखी हो जाएंगे। एक सहनशील आदमी होता है, सब उससे प्रसन्न रहते हैं। करना शुरू तो करो,
इस पर ध्यान देने की आवश्यकता और करने की आवश्यकता, लोग करते नहीं, समय व्यर्थ गंवाते हैं। टीबी ने समय बर्बाद किया और कर रहा है, टीबी के टीबी में मत चिपको। पढ़े लिखे लोग ज्यादा अखबारबाजी न करें, अब तो गांव में भी अखबार पहुंचते हैं, अखबार पढ़ते हो थोड़ा पढ़ो, ज्यादा नहीं, साधक अखबार न पढ़े तो अच्छा है, व्यवहारिक लोग अखबार पढ़ लें, थोड़ा पढ़ें, टीवी वीबी का प्रयोग न करो, कोई अच्छी बात हो देख लो। बिल्कुल व्यवहारिक लोगों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन जितना बचाओगे अच्छा है। समय निकालो स्वाध्याय साधना का, अपने को बटोरो। व्यवहारिक सहज समाधि है निर्मल मन का हर क्षण रहना। एक दिन अभ्यास कर लो, आज हमें पूरा दिन निर्मल रहना, मन में विकार नहीं लाना, कुछ समय के लिए निर्मल हो जाओ, देखोगे कितना आनंद है। और यही जीवन भर हो जाए तो फिर क्या पूछना, यही तो बेड़ा पार है। और जब ऐसी शक्ति बढ़ जाएगी तब वो अवस्था आएगी जब चाहोगे मन शांत, कुछ नहीं सोचेगा, शांत गंभीर अमृत सागर। चित्र दीप सम हुए रहे तज के बाद विवाद, आत्म अनुभव जब हुआ तब नहीं हर्ष विषाद। विषय का अनुभव नहीं आत्मा का अनुभव, आत्मलीन तो हर्ष विषाद खत्म हो गया। चित्र का दीपक उसकी ज्योति हिलती नहीं है क्योंकि तो चित्र है। इसी प्रकार साधक का मन शांत हो गया, इसलिए विवाद बाद खत्म हो गया, मन मस्त हुआ, फिर क्यों बोले। तो यहां बिल्कुल मौन हो जाने के लिए नहीं कहा गया, कुछ समय मौन रहना ठीक है, कम बोलना चाहिए। यहां क्यों बोले का मतलब विवाद क्यों करे, कलह क्यों करे, निर्विवाद प्रशांत आनंदमय। सहज समाधि का अभ्यास सब करो। सदगुरु कबीर ने राजमार्ग दिखाया, अन्य अन्य संप्रदाय वाले ज्योति को ही कह दिए ज्योति, ध्यान करते हो कहे हाँ करता हूं, क्या देखते हो कहीं ज्योति दिखती है, कि बस भगवान के दर्शन हो गए, ये भटका दिए। ज्योति भगवान नहीं है, आंख की गर्मी है, चंचल मन को स्थिर करने के लिए वो सहारा है, फिर उसको छोड़ देना है। शब्द सुनाई दिया, हाँ बस शब्द भगवान है, शब्द तो जड़ विषय है, मन को ठहराने के लिए शब्द का ध्यान किया जाता है, अंत में उसको छोड़ देना है। तो भटका देते हैं लोग क्योंकि उनकी गति वहीं तक है। चंचल मन को स्थिर करने के लिए साकार योग, नाद योग, शब्द योग, ज्योत ध्यान, ये सब किया जाता है। जब अभ्यास बढ़ गया और शक्ति बढ़ गई तो ये सब छोड़ देना चाहिए, दृष्टा अभ्यास करना चाहिए, संकल्पों का त्याग। ये जब बढ़ जाता है तो उठते बैठते भी संकल्पों का त्याग करते बनता है, चल रहे फिर रहे व्यर्थ संकल्प आते छोड़ दिया, चित्त एकदम हल्का फुल्का हो जाता है। निसंकल्प होना चलते फिरते नहीं बनेगा, जब साधक बैठ जाएगा तब निसंकल्प हो पाएगा, वैसी शक्ति बढ़ गई है तो। लेकिन उच्चतम स्थित वही है जहां सारे संकल्प शांत हो जाए, वो अभ्यासकालिक सहज समाधि है। सहज शुद्ध आपका आत्मा है, आत्मा में विश्राम मिल गया, चित्त शांत हो गया, चित्त बात शांत हो गया, चित्त की हवा नहीं है, प्रकंपन नहीं है, आत्मलीन, यही अमृत पद है, यही समाधि और ध्यान का फल है, परमात्मा की प्राप्ति यही है, ब्रह्म की प्राप्ति यही है, सुस्वरूप की प्राप्ति यही है। भाषा है सब अलग अलग, पाना कुछ नहीं है, जो कुछ पाया है सबका मोह छूट जाए, अपने आप में तृप्त, ये समाधि का फल है। अपनी अपनी श्रेणी शक्ति के अनुसार लगो, समय निकालो, सब करो। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।